सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश की उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। भारत का किसान इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीज़ें सस्ती हो और उसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाए। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े, बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसान को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है, उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान होता है। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है, जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपये मिलते हैं। आज वेतन में यह जो फर्क है वह समाप्त होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है। किसान की रोजाना के उपयोग की चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही है। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना आवश्यक है, नहीं तो देश में क्रांति हो जाएगी। आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष है और लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है। देश में काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है, उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं।